हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे गावरन तरीके से चिकन रस्सा। पहले चिकन लेंगे, उसको साफ़ करेंगे अच्छे से जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर हल्दी लेंगे, फिर नमक लेंगे, फिर चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे मिक्स करके। फिर अच्छे से चिकन को मिक्स करने के बाद उसमें मिक्स होने देंगे उसको। मिक्स होने के बाद अपना जो ये तैयार करना है, खोबरा, टमाटो, प्याज को अच्छा भून लेंगे गैस पर। फिर उसके बाद प्याज लाल करेंगे, प्याज अच्छे से भून लेंगे जिससे कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें चिकन डालेंगे। चिकन उसमें डालने के बाद उसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में जिससे कि वो अच्छे से ये हो जाए। फिर उसके बाद वो जितना भी सामान था, फिर चिकन में पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको भाप आने के लिए छोड़ देंगे जिससे कि वो चिकन गल जाए। फिर प्लेट रखेंगे, प्लेट के ऊपर से भी पानी डालेंगे जिससे कि भाप में चिकन पक जाएगा। इस तरह से चिकन को उबाल कर लेना है। फिर उसके बाद ग्लास रखना है। उसके बाद फिर वो जो भी अपने मटेरियल, कोतमीर, प्याज, टमाटर सब गैस पर भून कर लिया हुआ था उसको अच्छे से पीस लेंगे। फिर चेक करेंगे कि चिकन भुना हुआ, चिकन अच्छे से गल गया है या नहीं। फिर उसके बाद प्याज लाल किया हुआ था जो, अच्छे से प्याज लाल करेंगे थोड़ी सी। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद अच्छे से उसको भूनेंगे। फिर जो अपन ने पीसा हुआ खोबरा, अदरक लहसुन वो उसको उसमें डालेंगे, प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर लाल मिर्ची पाउडर, चिकन मसाला, धने पाउडर वो सब उसमें डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे करना है। फिर चटनी डालनी है, काला मसाला डालना है। फिर उसको अच्छे से भून लेना है। उसको अच्छे से भूनने के बाद उसका जो तेल छूटेगा उसमें उसको अच्छा फिर से भूनना है। थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके उसका तेल छूटने तक उसको अच्छे से भूनना है। फिर उसको अच्छा सा उबाल आने तक उसको चिकन को अच्छे से भून के उसका तेल छूट गया है, इसका मतलब अपनी ग्रेवी चिकन रस्से की गावरन पद्धति से तैयार हो चुकी। अब उसको हम प्लेट में निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन रस्सा और रोटी प्याज बहुत टेस्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।